महिला दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व महिला आयोग के उपाध्यक्ष सुमन दहिया, बीजेपी से डॉक्टर शिवानी सहित शहर की विभिन्न सम्मानित तो महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस महिला दिवस पर अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। है हमारा महिला दिवस, ये एक दिन न बना के हमेशा बने, हर रोज बने। कोई भी मेरी महिला, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, उसके ऊपर अत्याचार ना हो और जो ये हमारे समाज की कुरीतियां हैं ये जल्दी से ख़त्म हो। और मैं जब सही मायने में मानूंगी कि हम पूर्णतः जब इस दिवस को और खुशी से मना पाएंगे, जब ये बच्चियों के बलात्कार और उनके ऊपर जो घटनाएं आ रही हैं बार बार वो रुकनी बंद होंगी, तभी हम सही मायने में सशक्त मानेंगे। और सम्मान की जो भावना महिलाओं के लिए होनी चाहिए, वो हर पुरुष से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि महिलाओं को सम्मान दे और अपने साथ अपने कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ाए। महिला अपना काम कभी नहीं छोड़ती, एक महिला अपनी जिम्मेदारी हमेशा अच्छे से निभाती है और प्रकृति ने ही एक महिला को बहुत सहनशील और बहुत जिम्मेदार बनाया है। इसीलिए जो बच्चा जनने का दायित्व है वो भी एक महिला पे है, तो हम समाज का ये दायित्व तो अपने आप से स्वीकार करें और इस दायित्व का निर्वहन हर रोज करें, हर रोज हर पल करें, अपने परिवार के साथ साथ अपने गली मोहल्ला देश समाज इस हर चीज के लिए करें। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर, और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज़।